हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नाउडेज वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या घटक होते हैं, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल। इसी कड़ी में हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट, विकास। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या सम्मिलित विकास, इसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में जो रिसोर्सेज का यूज़ करके हम जो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। और वर्तमान समय में भी डेवलपमेंट होता रहे और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इनका लाभ मिले। एक ऐसा विकास कि हम बने बिना अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए विकास करें और आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठाए, इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ड्यू टू डेवलपमेंट बहुत सारे एनवायरनमेंट को हार्म्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, इसलिए एक समिट का आयोजन किया गया, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इसका आयोजन ब्राजील में हुआ। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील में 100 से अधिक देशों के जो मुखिया थे वो मिलते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट था। द समिट वॉज कन्वेंस फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्टिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो समिति बुलाई गई ब्राजील में, इसका मुख्य उद्देश्य था जो वर्तमान समय में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे दूर किया जाए और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड adopted agenda 21 for achieving sustainable development। और इस समिति में एक सिद्धांत अपनाया गया और एजेंडा 21 को अपनाने का एक डिसीजन हुआ जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे 21st सेंचुरी में। अब ये एजेंडा 21 था क्या? इन द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर, एक घोषणा पत्र साइन किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा इन 1992, जो कॉन्फ्रेंस हुई, सभा हुई उसमें, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य था कि सांसारिक रूप से, ग्लोबल रूप से जो सतत विकास है उसको अचीव करना है। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज। और इस एजेंडे में ये भी बताया गया, ये भी तय किया गया कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो भी नहीं करेंगे, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, आपसी सहयोग से, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, म्यूचुअल, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएँ होंगी और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, साझा करेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि प्रत्येक जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय गवर्नमेंट है, वो अपने स्तर पे, जहाँ की वो सरकार है, इस एजेंडा को ड्रॉ करेगी, अपनाएगी, जो एजेंडा 21। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ऐसा विकास करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, आपसी सहयोग से, अपनी जिम्मेदारी से इसको हम अपनाएं, एजेंडा 21 के द्वारा। आफ्टर दैट आता है रिसोर्स प्लानिंग,
जो संसाधन है उनकी योजना। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर ज्यूडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही विस्तृत विचारधारा है, एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जिससे हम न्यायिक तौर पे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज करें। इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और इसका भारत जैसे देश में ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ पाई जाती हैं, इनॉर्मस डाइवर्सिटीज है। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जो एक निश्चित, एक विशेष प्रकार के रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं बट आर डिसिटेंस इन सम अदर रिसोर्सेज, एक विशेष प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं लेकिन दूसरे टाइप के रिसोर्सेज वहाँ नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम एक आत्मनिर्भर क्षेत्र कह सकते हैं रिसोर्सेज की उपलब्धता के मामले में, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां अपने आप में सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और कुछ ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं। अब हम बात करें उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं कौन कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, यहाँ खनिज और कोयले के भंडार बहुत अधिक पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अरुणाचल प्रदेश में जल के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ का जो ढांचागत विकास है वो कम है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद द सोलर एंड वाइन एनर्जी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं, या इसको यूं कहें कि यहाँ पे सोलर और वाइन एनर्जी की ज़्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, झीलें पाई जाती हैं लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी कमी पाई जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करें सोलर और वाइन एनर्जी तो ये भरपूर पाई जाती है लेकिन पानी की यहाँ कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, ये हमारे जो देश है उससे थोड़ा अलग रहता है। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ज़्यादा धनी है, रिच है, लेकिन बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर, यहाँ पानी कम पाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है और कुछ वाइटल मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, इसीलिए आवश्यकता होती है जो रिसोर्सेज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं उनको हम प्लानिंग करके यूज करें, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल और लोकल लेवल पे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना रिसोर्स पाया जाता है, उसकी पहचान और उसकी इन्वेंट्री, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, और इसमें फिर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, पहले उस रिसोर्स की सर्वे करना, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसका अनुमान लगाना एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, और उसकी माप करना मात्रा कितनी है।
इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक व्यवस्था तैयार की जाती है ढांचागत कि अगर उस रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जब हम उस रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं तो वो हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसके साथ उसका मैचिंग भी होना चाहिए। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में अगर कोई रिसोर्स ज्ञात होता है तो उसकी मैपिंग होती है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी पता की जाती है, उसका सर्वे होता है, फिर हम उसको उसमें टेक्निक लगाते हैं, इकोनॉमिक लगाते हैं, उसके बाद हम उसको रिसोर्स बना लेते हैं। और ये सब करने में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसमें ये सब का मैच भी होना चाहिए। इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में रिसोर्स की प्लानिंग, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तब से रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती रही है और उसको हासिल भी किया जाता रहा है, अचीव भी किया जाता रहा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आवश्यक हो जाती है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए हमें पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है हमारे पास, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इससे उन रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट होता है वो बाधित होता है। देर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज में रिच हैं, समृद्ध हैं, धनी हैं, लेकिन दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं रिसोर्सेज होने के बावजूद। ऑन द कंट्री देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्सेस कम पाए जाते हैं, उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जो इतिहास है औपनिवेशिक इतिहास ये बताता है कि जो औपनिवेशिक समय में रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज वाले क्षेत्र थे, ये मुख्य आकर्षण हुआ करते थे, मेन अट्रैक्शंस हुआ करते थे जो बाहरी आक्रमणकारी आते थे। कहने का मतलब ये जहाँ पे ज़्यादा सोर्सेज थे, ज़्यादा रिसोर्स थे, ज़्यादा संसाधन थे, विदेशी आक्रमणकारियों ने वहीं पे सबसे पहले आक्रमण किया। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। तो सबसे पहले ये कि जहाँ पे औपनिवेश स्थापित हुआ वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, उनका शोषण किया गया और उस क्षेत्र पे एक सुपरमेसी की स्थापना कर दी गई औपनिवेश की। Therefore, resources can contribute to development only. इसलिए जो resources होते हैं उनका विकास में तभी contribution हो सकता है, तभी सहभागिता हो सकती है when they are accompanied by appropriate technological development. जब उनको उचित तरीके से तकनीकी विकास का साथ मिले और institutional changes और जो ढांचागत परिवर्तन है उनका भी साथ मिले। India has experienced all this in different phases of colonization.
जब औपनिवेशीकरण शुरू हुआ, यहाँ विदेशी जो पावर है, ताकतें हैं, आनी शुरू हुई, तो उस दौरान भारत ने इन सारी चीज़ों का अनुभव किया अलग अलग फेसेस में। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। इसलिए भारत में सिर्फ सामान्य रूप से विकास ही नहीं हुआ बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे रिसोर्सेज की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का संरक्षण। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। किसी भी विकास की एक्टिविटी के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बट इरेशनल कंजप्शन, लेकिन अगर हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, एंड ओवर यूटिलाइजेशन और इनका आवश्यकता से अधिक यूज करते हैं, मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। अलग अलग स्तर पे रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, वो क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, एक विचार रहा है हमारे लीडर्स का, हमारे विचारकों का इन द पास्ट, बीते हुए समय में। उदाहरण के तौर पे गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन, फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन विशेसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। गांधी जी ने रिसोर्स के संरक्षण को लेकर जो अपनी चिंता है वो इन शब्दों में जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि देर इज अ इनफ फॉर एवरीबडी। उन्होंने बताया यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ पर्याप्त है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए, एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड। किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर किसी की आवश्यकता है तो उसके लिए इस प्रकृति के पास कुछ ना कुछ है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट ऑफ कॉज फॉर रिसोर्सेज डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने बताया कि जो लालची लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पे वो लोग क्या करते हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। जो आधुनिक तकनीक है, ये सारी बीमारी की जड़ है, रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन ऑन ग्लोबल स्तर। ग्लोबल स्तर पे जो रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, उनका क्षरण हो रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ग्रीडी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी मुख्य जड़ें हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई द मासेस। ये बहुत ज़्यादा एक जगह पे किसी चीज़ का उत्पादन हो, उसके खिलाफ थे। ये चाहते थे हर जगह पे थोड़ा थोड़ा चीज़ों का उत्पादन हो, प्रोडक्शन बाई द मासेस। लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड एंड वी यूज डिफरेंट वेज। हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, सबको पता है, और अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पे। दस लैंड इज नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जमीन है, लैंड है, ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और ये लैंड रिसोर्स किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है? यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को लैंड रिसोर्स सपोर्ट करता है। हाउएवर, लैंड इज एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड।
देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद इन द केयरफुल प्लानिंग। लैंड क्या है, जमीन क्या है, सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका यूज कैसे करना है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जो अवेलेबल लैंड है इसका हम यूज अलग अलग उद्देश्यों से बहुत ही सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। जो हमारे भारत में ज़मीन पाई जाती है उसके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज पठार हैं, मैदान है एंड आइलैंड्स हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लान। जो हमारे देश की ज़मीन का भाग है, लैंड है, उसका लगभग 43% एरिया कैसा है, प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और इस प्लेन एरिया पे हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी होती है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, 30% माउंटेन्स पाए जाते हैं ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो कुल सरफेस एरिया हमारे कंट्री का, उसमें 30% टोटल सरफेस पे माउंटेन्स पाए जाते हैं। इंश्योर पैनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और ये पहाड़, ये माउंटेन्स हैं, ये सुनिश्चित करते हैं यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो हमेशा निरंतर पूरे वर्ष क्या होती रहती हैं, बहती रहती हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और हमारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन। और हमारे देश का लगभग 27% एरिया कैसा है, प्लेटू रीजन है। इट पॉजेस रिच रिजर्वर्स ऑफ मिनरल्स। और जो प्लेटू क्षेत्र है, प्लेटू का एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स के भंडार पाए जाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाते हैं और फॉरेस्ट भी है। फिर आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्सेज का यूज निम्नलिखित पर्पस के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट। सेकेंड नंबर पे आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वो भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, कौन कौन सी, बैरन ऑन वेस्ट लैंड। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, etc। और एक ज़मीन का ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जिसको हम कृषि में यूज नहीं करते हैं, उस पर क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं और फैक्ट्रीज लगाते हैं। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, कौन कौन सी, परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। एक तो स्थायी चारागाह है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, और कुछ ऐसे लैंड है जहाँ कुछ मिश्रित ट्री क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इसमें नेट सोन ट्रीज एरिया शामिल नहीं है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। और कुछ ऐसी ज़मीन है जिस पे लगभग 5 साल अधिक हो गए हैं, 5 साल से अधिक उस पे खेती नहीं की गई है, ज़मीन का वो हिस्सा। फेलो लैंड्स क्या होती है, करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस 1 एग्रीकल्चर ईयर। फेलो लैंड कहते हैं एक ऐसी ज़मीन का हिस्सा, ऐसा भूमि का टुकड़ा जिस पे लगभग 1 साल से अधिक जो समय हो गया है, 1 साल से कम समय में उस पर अभी तक खेती नहीं की गई है। करेंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, एक कृषि ईयर के दौरान उस पर खेती नहीं की गई, उसको हम फेलो लैंड कहते हैं। अदर देन करेंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, दूसरा हिस्सा होता है जिसमें 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है। नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन 1 in 9 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया, जिसमें खेती की जाती है, 1 साल के अंदर कोई ना कोई फसल उगा ली जाती है, उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया भी कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में जो ज़मीन यूज की जाती है उसका पैटर्न क्या है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्ट्रीज सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल etc। किसी भी क्षेत्र की जो ज़मीन है
उसका यूज़ करने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, इसको ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वहाँ की ज़मीन को हम किस पर्पज़ से कैसे यूज़ करें। कौन कौन सी चीज़ें, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, ह्यूमन फैक्ट्रीज कैसी हैं, ह्यूमन फैक्टर्स के क्या कारक हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तकनीक की क्षमता क्या है, और वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की ट्रेडिशंस कहती हैं। ज़मीन का जो यूज़ करने का पैटर्न है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है।